यूनाइटेड मुस्लिम्स फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हुए कहा कि इस बार 400 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए और मजबूती से कार्य करें। मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी को काफी पसंद करते हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन पे, उसका मकसद ये है, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो मुस्लिम जो है वो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का वोट जो है वो मोदी जी को मिले, बीजेपी को मिले। ज़्यादातर मुस्लिम जो है मोदी जी के खिलाफ है, उनका कहना है कि मुस्लिम के विरुद्ध में मोदी जी बोल रहे हैं अपने मंच पे, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं, कांग्रेस महागाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? नहीं नहीं, मुस्लिम्स जो है मतलब कोई मुस्लिम्स मोदी जी के खिलाफ में नहीं है, ना ही बीजेपी के खिलाफ में। आज का मुस्लिम जो है वो समझदार हो गया है, आज का मुस्लिम जो है वो कांग्रेस की या किसी और की बातों में आने वाला नहीं है। मोदी जी जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो काम कर रहे, जो डेवलपमेंट का और जो काम किया जा रहा है वो कम्प्लीटली देश के लोगों के लिए किया जा रहा है, ना ही कि कोई एक जात धर्म के लोगों के लिए। इसलिए कुछ लोग बोलते हो गए, कोई लोग कहीं है, लेकिन हर मुस्लिम जो है वो पहले की तरह नहीं रहा, क्या पहले की तरह सोच नहीं रही। आज का मुस्लिम मोदी जी के साथ में इसलिए कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए काफी कुछ किया है। किन मुद्दों को लेकर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, विशेषकर अगर देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को सपोर्ट करने का कारण है कि मोदी जी ने भारत, मुसलमान भी आज इस भारत देश में रह रहा है और भारत को आगे बढ़ाने में, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में मोदी जी ने बहुत मेहनत ली है और बीजेपी के लोगों ने बहुत मेहनत ली है, और इसीलिए जो है हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि मोदी जी का 400 का नारा चल रहा है, अगर 400 की सीट आती है तो वो लोग संविधान बदल देंगे, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? यही तो बात है, विपक्ष जो आज जो ये लगा रहा है, आज जो आरोप लगा रहा है कि संविधान बदल देंगे और बाकी चीजें जो है वो सिर्फ डराने का काम कर रहा है। आज मोदी जी को इस बात का खुलासा करना पड़ रहा है कि भाई वो संविधान बदलेंगे नहीं, और इस तरह का मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है कि संविधान को हिंदुस्तान में बदला जाए। ये सिर्फ दलितों को और मुस्लिमों को डराने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। सर, मोदी जी क्यों पसंद है आपको, क्यों ऐसी चीजें कि खाली मोदी और भी नेता लोग हैं? मोदी जी इसलिए पसंद है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने के बाद खासकर मुस्लिमों के लिए जो एक डर, पहले जो विपक्ष डर फैलाता था, खासकर मुस्लिमों के लिए जो उनकी माँ बहनों के लिए जो कानून लाया, 3 तलाक का जो कानून लाया है, जिससे कि मुस्लिमों की जो मुस्लिम औरतें जो है, लेडीज जो है, वो खास करके एक सेफ हो गई, उन लोगों को एक संरक्षण देने का जो काम मोदी जी ने किया है कानूनी तौर पे। हमेशा से ये भी आरोप लगता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम दोनों को बांटने का काम कर रहे हैं वोटों के लिए। नहीं, ये तो सब गलत आरोप है। जो देखो, मोदी जी जो कर रहे हैं, जो सरकार, जो मोदी जी की जो सरकार काम कर रही है, वो किसी को बांटने का या इस तरह का कुछ काम नहीं कर रही है। कहीं पे भी दिखा दो, कहीं पे भी इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई इस तरह से किस तरह की हरकत हो रही है। मोदी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो रोड, ब्रिज और बाकी चीजें जो सुविधा जो दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट जो दे रही है, वो सब लोगों के लिए दे रही है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी उतना ही है और हिंदुस्तान के हिंदू या और धर्म के लोगों के लिए, सारे हिंदुस्तान लोग के लिए सेम कानून है और सेम सुविधा है। गरीबों के लिए, जो गरीब अगर है तो वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, वो सबके लिए जो सुविधा जो लाया वो सबके लिए ही लाया और सब उसका फायदा उठा रहे। उत्तर मुंबई जो कैंडिडेट है पीयूष गोयल जी, इनके बारे में क्या कह रहा है, आप भी वोटर है यहाँ के? पीयूष गोयल जी जो है वो मंत्री, आज हिंदुस्तान में भारत सरकार में मंत्री है और मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज अगर वो उत्तर मुंबई जिले से अगर पीयूष गोयल जी जीत के आएंगे तो उनका मंत्री पद का फायदा उत्तर मुंबई के लोगों को काफी ज्यादा होगा, क्योंकि वो मंत्री रहेंगे तो अपना मतलब जल्द से ज्यादा काम उत्तर मुंबई में और लोगों को यहाँ पे जो स्लम का, रेलवे लैंड का जो प्रॉब्लम है, बाकी चीजों का जो प्रॉब्लम है, वो खुद जो है वो बहुत फास्ट तरीके से, जल्द तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी यहाँ पर बीजेपी ही थी, सांसद बीजेपी के थे, किस तरह के सहयोग रहा, कैसा लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने, सांसद जी ने काम किया?
उन्होंने जो गोपाल शेट्टी जो यहाँ के सांसद थे उन्होंने भी सारे लोगों के लिए काम किया था, ऐसा नहीं किया कोई एक जात धर्म के लिए, उन्होंने जात धर्म का उनके दिल में भी कोई नहीं था, उन्होंने इस तरह से कोई काम भी नहीं किया कि जात किसी जात या धर्म को अलग करके कोई काम किया, उन्होंने सारे लोगों के लिए काम किया। क्योंकि भारत सरकार के जो मोदी जी का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उसी मुद्दे पे उन्होंने काम किया। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से अपील यही करना चाहता हूँ, ज़्यादातर खास करके मुस्लिम लोगों से, कि मुस्लिम विपक्ष जो इस तरह से जो ये फैला रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ में संविधान के बारे में जो बोल रहा है वो गलत बातें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी और महाराष्ट्र में खास करके हम कोई शिवसेना शिंदे जी की शिवसेना जो है उनके कैंडिडेट को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मोदी जी को दे। कांग्रेस ने कैंडिडेट भूषण पाटिल यहाँ पर दिया, उन्हें किस तरह देखते हैं आप एज ए कैंडिडेट? ऐसे कैंडिडेट ठीक है, वो कैसा है, वो जीत के आने वाले तो है नहीं, वो कांग्रेस के लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उतर के आते हैं, बाकी तो 365 दिनों में साल के कहीं पे भी या 5 सालों में कहीं वो दिखते नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का जो है वो एक अपना पद लेके बैठ जाते और बस उसी पे अपना जो काम धंधा चलाते बिजनेस चलाते, बाकी के लोगों के लिए उन्होंने ना कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ किया है ना किया है ना आगे कभी करेंगे, हमको नहीं लगता कि वो कुछ करने वाले। मोदी जी दुनिया में बढ़ाया है, हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम अगर दुनिया में कहीं भी जाओ तो आज हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में लोग जानते हैं, और मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का तरक्की लेने का तरक्की जो है वो देश जो कर रहा है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए तरक्की कर रहा है, और मोदी जी ने खास करके गरीबों के लिए जो काम किया है, गरीबों को जो न्याय देने का काम किया है, वो काम आज तक हुआ नहीं था जो मोदी जी कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे।